तो मेरे दिल के टुकड़ों, आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ मेरी कॉलेज लाइफ की एक ऐसी स्टोरी जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा फनी है एंड लिटरली आप लोगों को सुनकर मजा ही आ जाएगा। एंड इस बात के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि ये घटना आपकी कॉलेज लाइफ में या फिर आपकी स्कूल लाइफ में कभी ना कभी जरूर घटी होगी। तो ये बात है मेरे कॉलेज की। वैसे कॉलेज में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन दो फ्रेंड मेरे ऐसे थे जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब थे, यानी कि मेरे दो बेस्ट फ्रेंड थे जिसमें से एक का नाम था विनय और एक का नाम था अर्जुन। हम तीनों मिलकर क्लास में बहुत ही ज्यादा मस्ती किया करते थे। वैसे तो बेंच पर बैठने की जगह सिर्फ दो लोगों की होती थी, लेकिन जब टीचर चले जाते थे तो हम तीनों एक ही बेंच पर बैठ जाया करते थे और बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक किया करते थे। जैसे ही क्लास में कोई टीचर आता था तो हम तीनों में से एक बंदा पीछे वाली बेंच पर जाके बैठ जाया करता था, और जैसे ही टीचर बाहर जाते थे फिर वापस उठकर हम तीनों एक ही बेंच पर बैठ जाया करते थे। हमारे ये मस्तियों से भरे दिन ठीक इसी तरीके से गुजर ही रहे थे, लेकिन फिर हमारी जिंदगी में एक तूफान आया। अब मैं तूफान आया बोलूं या तूफान आए बोलूं, क्योंकि उस तूफान का नाम अंजलि था, जो हमारे दोस्ती के प्यारे प्यारे अंगों को आग लगाकर जलाने वाली थी। और सच बताऊं तो लड़की देखने में काफी ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा प्यारी थी। अब तो मैं समझ गया, यानी कि वो लड़की इतनी ज्यादा प्यारी थी कि आप तीनों फ्लैट को उत्पल क्लत हो गया, फिर आप तीनों उससे प्यार करने लगे और फिर आप लोगों की लड़ाई हो गई उस लड़की के टक्कर में। अरे मेरे चोमू, तो अपने छोटे से दिमाग को तकलीफ मत दे, ज्यादा दिमाग मत लगा, और जो मैं बता रहा हूँ बस तू सुनता जा, तेरे को मजा बहुत आएगा। क्लास में टीचर आ गई थी और जो मेरा फ्रेंड था विनय वो पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। अब अंजलि का न्यू एडमिशन था, अंजलि को अपनी सीट पर बैठना था, लेकिन अंजलि कंफ्यूज थी कि वो कहाँ बैठे, क्योंकि ज्यादातर सीट्स तो भरी हुई थी, सब अपने अपने ग्रुप बनाकर अपनी अपनी बेंच के पास में बैठे हुए थे, लेकिन विनय जो पीछे बैठा था उसकी बेंच पर एक सीट खाली थी। तो मेरे फ्रेंड विनय के पास अंजलि जाकर बैठ गई। अब वो दोनों साथ में बैठे थे तो उन दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन हो गया और अंजलि ने थोड़ी बहुत मुस्कुराकर हंसकर विनय से थोड़ी बहुत बातें कर ली। लेकिन हम सिंगल लड़कों की प्रॉब्लम पता है क्या, अगर कोई लड़की नॉर्मली भी थोड़ा बहुत हंसकर मुस्कुराकर बातें कर लेना तो हम उसके साथ सिर्फ शादी ही क्या, बच्चों तक के सपने देख लेते हैं। ठीक यही हुआ हमारे मासूम बेचारे विनय के साथ। लड़की काफी ज्यादा अच्छी थी, बट विनय को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। विनय को तो बस उस लड़की से प्यार हो गया था। जैसे ही हमारी क्लास ओवर होती है विनय मेरे से बोलता है, भाई इस लड़की को तेरी भाभी बनाना है, भाई कैसे भी करके मुझे इस लड़की को पटाना है। विनय बोलता है, यार तेरे को पता है ना मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, तो तू मेरी हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैं बोलता हूं, मुन्ना देख ये काम तो तेरे को अकेले ही करना पड़ेगा, मैं इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी भी लिटरली उन लोगों में से हूं ना जो कि बड़ा सा बड़ा कांड करने में, बड़ा सा बड़ा काम करने में दोबारा नहीं सोचते, लेकिन अगर बात आ जाए लड़की से बात करने की तो भाई मेरे से नहीं होता। अभी भी मैं किसी रैंडम लड़की से नॉर्मली बात करने का ट्राई करूं ना तो लिटरली मेरे को फ्यूचर दिखाई देने लगता है, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाता हूं, मेरे दिमाग में पॉसिबिलिटीज आने लगती है कि अगर मैंने इस लड़की से बात करने का ट्राई किया तो क्या पता ये लड़की कैसे रिएक्ट करेगी, क्या पता लड़की गुस्सा हो जाए, मेरे को समझ में नहीं आता भाई, मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं। इसलिए मैंने विनय को बोल दिया, भाई इस काम में तो मैं तेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, ये तो तेरे को अकेले ही करना पड़ेगा। लेकिन विनय की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अंजलि से बात करने की, क्योंकि उस पापा की परी को बस एक दिन ही तो हुआ था। और फिर थोड़ी देर में अंजलि अपनी स्कूटी निकालती है घर जाने के लिए, और ये देखकर विनय बोलता है, भाई 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 जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर अपनी बाइक निकाल, चल 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 इसके पीछे चलते हैं। मैं बोल सकता हूँ, अबे बावले इतना पागल क्यों हो जा रहा, पीछे जाने की क्या जरूरत है, वापस ये कॉलेज आएगी तब बात कर लियो, इतना उतावलापन किस बात का। लेकिन विनय मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, फिर मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं भी अपनी बाइक निकालता हूँ और अंजलि की स्कूटी के पीछे पीछे हम लोग चलने लगते हैं। अंजलि ने पहले ही दिन हम लोगों को नोटिस कर लिया था कि हम उसके पीछे आ रहे हैं, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। और सच बताऊं तो लड़कियां ऐसी ही होती हैं भाई, वो नोटिस सब कुछ करती हैं लेकिन ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। आप लोगों को लगता है कि लड़की ने देखा नहीं, लेकिन अगर आप लोग लड़की को उसको पीछे से भी देख रहे हो ना तो भाई पता नहीं उसको सर में पीछे से भी आंखें होती हैं, उसको पता चल जाता है कि हाँ ये पीछे वाला लड़का मेरे को देख रहा है। जी हाँ गाइस, लड़कियां इन मामलों में बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं, वो सब कुछ नोटिस कर लेती हैं। वैसे नेक्स्ट डे तो हमारा प्लान था मूवी देखने जाने का, लेकिन विनय की वजह से हम लोग मूवी देखने नहीं गए, कॉलेज गए, क्योंकि विनय बोल रहा था यार अंजलि आएगी और आज मैं अंजलि से बात करके रहूंगा, इसलिए प्लीज यार आज चलते हैं कॉलेज, मूवी देखने का भी और चलेंगे। अब क्या कर सकते हैं, चूतिया ही सही, लेकिन है तो अपना भाई। तो फिर विनय की बात मानकर हम लोग कॉलेज को चल देते हैं। तो फिर अंजलि कॉलेज आती है और जैसे ही अंजलि अपनी सीट पर बैठती है विनय भी उसके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन विनय भी फट्टू था इसलिए वो अंजलि से आगे से कुछ बात नहीं कर पाता है। फिर ऐसे करते करते हमारा कॉलेज ओवर हो जाता है, फिर पापा की परी अपनी स्कूटी निकालती है, फिर हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। अंजलि फिर से नोटिस कर लेती है कि हम उसके पीछे आ रहे हैं, लेकिन इस बार अंजलि एक प्यारी सी स्माइल देती है। अंजलि की स्माइल देखकर मेरा दोस्त विनय प्यार में पागल हो जाता है और वो बोलता है, भाई कल तो मैं अंजलि को प्रपोज कर ही दूंगा, बट सैडली कल तो संडे पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट डे संडे को मैं विनय और अर्जुन दोनों को कॉल करता हूं और बोलता हूं चलो आज मूवी देखने चलते हैं। मैं और अर्जुन हम दोनों मूवी की बात कर रहे होते हैं कि यार मूवी में बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन वहीं पर हमारा प्यारा दुलारा प्यार का मारा विनय यार बहुत ज्यादा सैड होता है और बोलता है कि यार मेरे को पहली बार दुख हो रहा है संडे आने का, काश आज संडे नहीं होता और मैं यार अंजलि से मिल पाता। मैं बोलता हूं अरे मेरे देवदास थोड़ा कंट्रोल रख ले, कल आ जाएगी अंजलि, कल मिल लियो, अभी क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो और क्यों अपनी छुट्टी बर्बाद
बात कर रहा है। फिर हम तीनों फ्रेंड मिलकर मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। विनय बहुत ही ज्यादा सैड होता है, लेकिन पता है वहाँ पे एक चमत्कार हो जाता है। संडे के दिन अंजलि भी अपने फ्रेंड के साथ वहीं पर उसी टाइम पर वही मूवी देखने आई होती है। अंजलि को देखकर विनय बोलता है, अरे भाई मैंने अंजलि को देखा। मैं बोलता हूँ, भाई तू पागल वागल है क्या, तेरे को इतना ज्यादा प्यार हो गया कि तेरे को हर जगह अंजलि अंजलि दिखाई दे रही है। लेकिन सच में अंजलि वहीं पर होती है और अंजलि को देखकर विनय सच में पागल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यानी कि अब तो विनय भैया ने अंजलि दीदी को प्रपोज कर दिया होगा ना। अरे नहीं चोमू, विनय बोल तो रहा था कि मैं नेक्स्ट डे अंजलि को प्रपोज कर दूंगा, लेकिन मेरे को पता था वो अंजलि से बात भी नहीं कर पाएगा। मैं उसको बोलता भी हूँ, विनय अब जाना, अंजलि तेरे को मिल चुकी है, कुछ तो बात कर। तू तो बोल रहा था मैं प्रपोज कर दूंगा, कम से कम हाय हेलो तो बोलते, अभी तो तेरे सामने खड़ी है। लेकिन विनय फट्टू होता है इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन अंजलि हमको फिर देख लेती है और फिर धीरे धीरे अंजलि खुद हमारे पास आने लगती है। अंजलि हमारे पास आकर मेरे से बोलती है, आप भी यहाँ पे मूवी देखने के लिए आओ। मैं मजाक में बोलता हूँ, नहीं मैं यहाँ पे मुजरा देखने के लिए आया। सब लोग एकदम से हंसने लगते हैं और बोलता हूँ, हाँ भाई मूवी देखने के लिए आएंगे ना यहाँ पर, और क्या ही करने आएंगे। फिर हम सभी लोग साथ में टिकट लेते हैं और मूवी देखने चल पड़ते हैं। और मैं विनय को खुद अंजलि के पास वाली सीट पर बैठा देता हूँ ताकि ये अंजलि से कुछ ना कुछ बात कर पाए। मूवी शुरू होती है, बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर कुछ ही देर में इंटरवेल हो जाता है। फिर मेरे को पता चलता है कि विनय ने तो मूवी देखी ही नहीं, विनय को तो मूवी की स्टोरी भी नहीं पता, वो तो पूरे टाइम बस अंजलि को देखता रहा। फिर हम लोग पॉपकॉर्न का ऑर्डर देते हैं, लेकिन लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी होती है और इतने में मूवी शुरू हो जाती है। फिर वो पागल विनय अंजलि को इंप्रेस करने के लिए बोलता है, अरे आपकी मूवी मिस हो जाएगी, आप सभी लोग वहाँ पे जाकर बैठो, मैं और अर्जुन ये सब कुछ पॉपकॉर्न वगैरह ले आएंगे। फिर मैं और अंजलि की सभी फ्रेंड्स हम लोग मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। विनय और अर्जुन वहीं पर रह जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही मैं सीट पर बैठता हूँ, मेरी पास वाले सीट पर आकर अंजलि बैठ जाती है। और थोड़ी ही देर में जैसे ही अपना मासूम विनय पॉपकॉर्न वगैरह लेकर आता है और वो जैसे ही देखता है कि अंजलि मेरे पास बैठी है, ये देखकर उसके तन मन में आग लग जाती है। और इसके बाद से जो स्टोरी में होने लगता है ना, वो स्टोरी एक अलग स्टोरी बन जाती है। आप लोग अपना दिमाग लगाओ और सोचकर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आगे क्या हुआ होगा। बाकी आगे जो हुआ है, आगे की जो स्टोरी है, मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा जल्दी ही इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में और आप लोगों को उस पार्ट में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जब तक के लिए गाइस आप अपना ध्यान रखना। आई लव यू सो मच। आप सभी लोगों को टेक केयर, ऑल लव यू।